Hey guys, welcome to Beauty Vlogs. तो आज है डे 45 और अभी हम हैं मणिकरण साहब गुरुद्वारा में और अभी हम जा रहे हैं नीचे लंगर खाने के लिए और उसके बाद हम निकलेंगे आज धर्मशाला की तरफ और आई होप कि आज हम धर्मशाला पहुंच जाएंगे क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 क्योंकि वीडियो अपलोड करने में और कल हम जो 20 किलोमीटर चला था उस वजह से पूरी बॉडी जो है वो पेन कर रही थी। सो लेट्स गो, चलते हैं नीचे लंगर खाते हैं और फिर निकलते हैं गुरुद्वारा साहब से। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, अभी टाइम आ गया है गुरुद्वारा मणिकरण साहब को बाय बाय बोलने का और अभी चलते हैं हम धर्मशाला की तरफ, लेते हैं बाहर जाकर लिफ्ट। लेट्स गो, ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना टाइम में मिलती है लिफ्ट। सो गाइज, अभी बाहर आ चुके हैं और लिफ्ट मांगने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना टाइम मिलती है। अभी टाइम हो रहा है 1:10। लेट्स गो, ट्राई करते हैं फॉर द लिफ्ट टू धर्मशाला। थोड़ा नाम की मेरे लक्की लक्की थोड़ा मेरे ऋषभ ऋषभ। तो गाइस, हमें हमारी फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है और इंशाल्लाह तो देखते हैं आज भैया मुत्तर तक छोड़ देंगे। भैया जा रहे हैं कुल्लू, सो लेट्स गो, अभी चलते हैं मुत्तर तक की और उसके बाद देखते हैं अपनी सेकंड लिफ्ट। पेट्रोल पंप देखो भाई, सारा डूब है, पेट्रोल पंप उड़ा लिया था सारा, पानी यहाँ तक था देखो। आधा गाड़ी उड़ा दिया भाई, देखो भाई क्या हाल चाल, क्या हाल हो गया जब बाढ़ आई यहाँ पे, आधे आधे घर उड़ा रखे हैं सब सारे के सारे। वहाँ का पानी यहाँ तक आया था। सो गाइस, भैया ने हमें लिफ्ट दे दी है भुंतर तक, अब सेकंड लिफ्ट लेते हैं आगे, देखते हैं धर्मशाला के रास्ते में कहाँ तक पहुँचते हैं। रस्ते में बीरबिलिंग आता है, बैजनाथ आता है, पालमपुर आता है, फिर आता है धर्मशाला। लेट्स गो, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सो गाइस, हमें हमारी सेकंड लिफ्ट मिल चुकी है, 10-12 किलोमीटर की लिफ्ट ही है बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा शहर के अंदर से बाहर की तरफ निकल जाएंगे हाईवे तक, तो इसलिए हमने ये लिफ्ट भी ले ली। 10-12 किलोमीटर भी ठीक है, बाहर तक निकलने के लिए तो ओके है, क्योंकि भैया लेके जा रहे हैं वहाँ तक और जिसमें सामान वगैरह लेके जाते हैं उसमें मिली लिफ्ट और बैठते हुए भाई ऐसी जगह पर चोट लगी है ना, बता भी नहीं सकता। चलो अभी चलते हैं धर्मशाला की तरफ। पूरा इंडिया बाय लिफ्ट। सो गाइस, भाई हमें छोड़ देंगे औत तक, औत एक जगह है यहाँ पे और औत से जाएंगे हम मंडी की तरफ और मंडी से हम लिफ्ट लेंगे बीरबिलिंग या फिर पालमपुर या फिर धर्मशाला के लिए, जहाँ पे पहुँच जाएंगे तीनों जगह में से वहीं पर रुक जाएंगे आज। सो लेट्स गो, चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या कह रहे भैया, घर कहाँ है आपके? मेरा भैया घर तो लुधियाना पंजाब में है, मैं तो मतलब पूरा इंडिया घूमने निकला हूँ। हाँ मतलब अभी तो जम्मू कश्मीर दिल्ली तक हो गया। सो गाइस, एक भैया ने हमें औत तक उतार दिया था और दूसरे वाले भैया जो हैं हमें वो मंडी तक लेके जा रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? हाँ युवराज। ओके युवराज भैया हमें मंडी तक उतार देंगे, उसके बाद देखते हैं फोर्थ लिफ्ट लेंगे हमारी और शायद आज बीरबिलिंग तक पहुंच जाएं, वो भी बहुत है क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं और 2 घंटे में बीरबिलिंग या पालमपुरी में पहुँचा जा सकता है, धर्मशाला तो अभी पॉसिबल नहीं हो सकता आज के आज। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं और चलते हैं फोर्थ लिफ्ट की तरफ। आज तो धर्मशाला पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पे एक मंडी से पहले ट्रैफिक है। ये जो ट्रैफिक है ये यहाँ पे बारी के हिसाब से चलता है, 1 घंटा इस तरफ की गाड़ियाँ रुकती हैं और 1 घंटा उस तरफ की, और ये ट्रैफिक अभी लगा है मतलब 1 घंटा तो यहीं पर बाद होने वाला है। 5 बज चुके हैं, 6 बजे तक तो ट्रैफिक में रहेंगे, फिर मंडी जाएंगे, फिर मंडी में जाके भाई आज की जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने की, डॉर्मेटरी वगैरह देख लेंगे, वैसे भी रेस्ट चाहिए भाई, पूरा टांगों में दर्द हो रहा है 20 किलोमीटर चलने की वजह से।
सो लेट्स गो, चलते हैं। और भाई आपदा को अवसर बनाना कोई इनसे सीखे, पता है कि ट्रैफिक लगेगा एक घंटे का, तो भाई ने चॉकलेट बेचना शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा बिजनेस माइंड, बहुत ही बढ़िया कर रहा है भाई मेरा। ऐसे और भी भाई थे, दो तीन आगे निकल गए, और सबको पता है कि यहाँ पे रुकेंगे तो गर्मी लगेगी, तो आइसक्रीम वगैरह लोग खाएंगे ही खाएंगे। बहुत अच्छा टेक्निक है भाई। सो गाइस, अभी तकरीबन एक घंटा हो चुका है और हम उसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वहीं पे खड़े हैं, एक कदम भी गाड़ी आगे नहीं गई है। और देखते हैं, शायद 10-15 मिनट में ये खुल जाएगा। शाम हो गई है और मंडी पहुँच जाएँ बस आज, और मंडी में देखेंगे कोई जगह रुकने के लिए आज, और वहीं रुक जाएंगे। सो गाइस, 5 बजे हम रुके थे और 6 बजे हमारी बारी आई है। इस तरफ की अब जो गाड़ियाँ हैं वो जो जा रही हैं, और उस तरफ की गाड़ियों को अब रोक दिया गया है एक घंटे के लिए। अभी सिर्फ 50 मीटर आगे आए होंगे और फिर से जाम लग गया, पता नहीं क्यों फिर से सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। अब देखते हैं कि कितने टाइम में जाने देते हैं। होप कि भाई अब तो हमारी बारी है, अब तो हमें जाने दो। पूरा ट्रैफिक देखो आप, पीछे तक लगा हुआ काफ़ी लंबा ट्रैफिक। इसकी वजह से रोक के रखा होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह बची है। देखो वो, देखो वहां सड़क बनी हुई है वहां पे। जब से हम निकले हैं ये वाली गाड़ियां तब से रुकी हुई हैं, 40 मिनट हो चुके हैं, और अभी ये तकरीबन 20-25 मिनट के बाद दोबारा इनकी बारी आएगी और ये निकलेंगी। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस, भैया ने हमें उतार दिया है मंडी में, गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे, और अभी अंदर जाएंगे और गुरुद्वारा साहब में पूछ के देखेंगे कि भैया अगर रहने की जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा। और यहाँ थोड़ा आगे जाके एक पुल भी है और वहाँ से रास्ता जाता है धर्मशाला की तरफ, तो आराम से यहाँ से उठ के सीधा पुल की तरफ निकल जाएंगे सुबह। लेट्स गो, अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर और देखते हैं कि जगह मिल जाए तो। सो गाइस, मुझे लगा था कि यहाँ पे जो कमरा है वो फ्री में या फिर 50-100 रुपये में मिल जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमें रूम कॉस्ट करा है वो करा है 300 रुपये का, और मैंने पूछा कि बाथरूम अंदर ही है, तो कहते नहीं कि वो बाथरूम, अगर बाथरूम वाला लेना तो 700 रुपये। क्या ही बोलूँ, तो महंगा था यहाँ पे भी थोड़ा सा, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, अब तो आ गए हैं और वैसे भी सोना ही है रात को, सुबह निकल जाना है धर्मशाला के लिए। तो अभी बस थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं और थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, एंड देन इस ब्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइस, लंगर हमारा डन हो गया, अब जब चलते हैं अपने रूम की तरफ और कपड़े चेंज करते हैं और नहाते हैं यार, थोड़ा फ्रेश हो जाएं। सो गाइस, आज का दिन तो काफ़ी लंबा चला गया और पूरा दिन हम ट्रैफिक में फंसे रहे, कहाँ से निकले और मंडी में आके फंस गए, और रहा यहाँ पे हमने गुरुद्वारे में स्टे लिया जैसा कि आपको पता है, और कल जाएंगे धर्मशाला की तरफ निकलेंगे, और देखते हैं शायद पालमपुर में मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन रुकूंगा और वहाँ को एक्सप्लोर करूँगा और फिर जाऊँगा धर्मशाला की तरफ। बाकी कल पे ऊपर प्लान होगा भाई, आपको पता है कि हमारा प्लान कुछ होता नहीं है, चलता नहीं है हमारा प्लान, और नेक्स्ट डे ही डिसाइड होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। सो लेट्स गो, और आज काफ़ी लंबा दिन हो चुका है भाई, अभी जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 2:30 बज चुके हैं रात के, और मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, इसकी आउट्रो मैं भूल गया था शूट करना, एंड चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए भाई हमारे चैनल को। और यूट्यूब ने भी हमें एक थोड़ा सा स्कैम कर दिया भाई, 429 सब्सक्राइबर थे, मैंने रिफ्रेश करा, मेरे को 410 शो होने लगे भाई, सदमा हो गया था एकदम से, बाद में पता चल रहा है कि भाई शायद वो ग्लिच है, बाकी कल वो श्योर हो जाएगा क्या सीन है क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।